आखिरी चरण के मतदान से पहले क्या जेल से बाहर आएंगे लालू प्रसाद यादव? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आएंगे या भी जेल में ही रहेंगे, यह झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। चारा घोटाले के चार मामलों में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से उनके वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील की याचिका दाखिल की है। लालू प्रसाद यादव इस अपील याचिका पर शुक्रवार 6 नवंबर 2020 को सुनवाई होनी है। इस याचिका में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाला के कई मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध कागजात के आधार पर धन की निकासी के मामले में जमानत की अर्जी दी है। उनकी ओर से कई क्रिमिनल अपील याचिकाएं भी दाखिल की गई है। ये सभी याचिकाएं कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड है। अपील याचिका झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अप्रेस कुमार सिंह की अदालत में सूचीबद्ध है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। दुमका कोषागार से जुड़े मामले में CBI की विशेष अदालत ने विभिन्न धाराओं में लालू प्रसाद को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। लालू प्रसाद के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल ने इस मामले में आधे से अधिक सजा काट ली है, इसलिए अब वह जमानत पाने के हकदार हो गए हैं। यदि लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से निकासी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो जेल से उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। उधर झारखंड हाई कोर्ट ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य पर रिम्स को रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा था। साथ ही जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में कारा महानिरीक्षक व जेल अधीक्षक से भी संयुक्त रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने 9 अक्टूबर को ही आदेश दिए थे। उस दिन अदालत ने लालू प्रसाद को एक मामले में भी जमानत दे दी थी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।